साइंस लेना है। हाँ, अगर देखो कंफ्यूजन है तो देखिए मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि देखिए जो आपका सक्सेस और फेल्योर में जो डिफरेंस आता है वो सबसे पहला आता है फोकस का। कोई भी सक्सेसफुल आदमी है, अगर आप बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स हैं या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं आज के भी डेट में जो बड़े लोग हैं, हाँ, अगर आप उनकी बायोग्राफी और इन सब चीजों पर जाएंगे, मैं तो बोलूंगा कि आप कभी कभी जरूर देखा करिए, ठीक है ना। तो आप उनका एक कॉमन सेंटेंस आता है, उनमें एक कॉमन हैबिट आती है और बोलते हैं कि जीतने की जिद होनी ही चाहिए। बात जहां तक आती है कि कामयाबी में जो रुकावट होती है वो हमारी कुछ आदतें होती है, सब्जेक्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता है। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन जो थे वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि उनको गुरु द्रोणाचार्य भी मिले थे। तो ध्यान से आप में जो एबिलिटी है, जो आप में पोटेंशियल है, उसको अच्छा करने के लिए, उसको उभारने के लिए आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपकी जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखो बायोलॉजी वालों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आता है वो आता है फिजिक्स में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपका 10th का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा एंड आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। और साथ में ही हम लोग आगे फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे हैं, तो उसी मुद्दे पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि साइंस हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हाँ, अगर साइंस लेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हाँ, और जिन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि नहीं नहीं हमें साइंस लेना ही है, ठीक है, तो जो कुछ भी आपका प्लान है, जो कुछ भी आपका डिसीजन है, और अगर डिसीजन नहीं भी लिए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलने वाला है, राइट। देखिए हम इस बात से स्टार्ट करते हैं कि देखिए जो भी आपको एक बड़ा टारगेट अचीव करना होता है, अगर आप एक बड़ा टारगेट लेके चलते हैं तो बोला जाता है कि कोई भी बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए आपको धैर्य से काम करने की जरूरत होती है, आपको एक अच्छे प्लान के साथ काम करने की जरूरत होती है। और जो हमारा आगे का करियर है, जो हमारा स्पेशली जो 11th 12th जो आने वाला है, वो एक हमारे करियर में एक अहम पड़ाव होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है, और इस चीज को हमें बहुत ही बारीकी से प्लान करके, बहुत ही ढंग से सोच विचार करके ही हमें आगे का डिसीजन लेना चाहिए ना। कुछ बच्चों को रहता है कि हाँ साइंस लेने से डर लगता है ना, कुछ लोगों को है कि नहीं हम ले लेंगे, या उनको पहले भी घर में फ्रेंड के थ्रू या फैमिली में कोई बड़े हैं उन्होंने समझाया है, ठीक है ना। तो खैर वो सभी बातें सही है, हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई आपको गलत सलाह दे रहा है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को सुने और उसके बाद आप डिसीजन ले। एंड आई होप कि आप 5 से 10 मिनट में आपको डिसीजन लेने में और आगे के प्लान करके पढ़ाई करने में आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके, सो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, राइट, आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर। हम लोग देखिए बात आता है कि साइंस लेना है, हाँ, अगर देखो कंफ्यूजन है तो देखिए मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि देखिए जो आपका सक्सेस और फेल्योर में जो डिफरेंस आता है वो सबसे पहला आता है फोकस का। तो देखिए बात प्रॉब्लम साइंस और सब्जेक्ट का नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी स्ट्रीम लीजिए, पहले तो आप क्लियरिटी रखें, हाँ, और नहीं है तो मैं कुछ बातें आपको जरूर बोलूंगा। देखिए साइंस लेना है, हाँ, कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे उस पर और डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरा, जिनको साइंस से थोड़ा बहुत डर लगता है तो मैं बोलूंगा कि आप पहले ये फाइंड आउट करो कि हमें डर किस बात का है। अगर आपको मैथ से या जो भी होता है न्यूमेरिकल्स से या फिजिक्स से या है ना कि एप्लीकेशंस से इन सब चीजों से डर लगता है तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी है, अगर आप बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स हैं या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं आज के भी डेट में जो बड़े लोग हैं, हाँ, अगर आप उनकी बायोग्राफी और इन सब चीजों पर जाएंगे, मैं तो बोलूंगा कि आप कभी कभी जरूर देखा करिए, ठीक है ना। तो आप उनका एक कॉमन सेंटेंस आता है, उनमें एक कॉमन हैबिट आती है और बोलते हैं कि जीतने की जिद होनी ही चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जीतने की जिद होनी ही चाहिए, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं हम उस पर बिल्कुल फोकस वे में हमें लग के करना चाहिए। देखो बात आता है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि नहीं डिफिकल्ट है ऐसा है वैसा है, तो मैंने बोला कि देखिए साइंस जो है या सब्जेक्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हमें परेशान नहीं करता है या वो हमारे लिए बहुत बड़ा हेडक नहीं है। बात आती है कि क्या हम फोकस्ड हैं, हाँ, और अगर हम फोकस्ड हैं तो कंटेंट हमारे लिए मायने नहीं रखता है।
आप हो सकता है कि पढ़ने में हमसे कोई बहुत अच्छा होगा। हाँ तो देखिए बात आती है कि अगर हम लोग दिमागी लेवल पर जाते हैं ना, अगर आप हम इंटेलिजेंसी लेवल पर जाते हैं, आईक्यू लेवल पर जाते हैं, तो देखिए ये चीजें जो है हम लोग बिल्कुल अचीव कर सकते हैं अगर हम थोड़ा मेहनत करें तो। और बोला जाता है कि हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, राइट। तो देखो अगर आप सब्जेक्ट से डर रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा कि ये 2 साल जो हमारा होता है वो आपका लाइफ का बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। और अगर आपका मैथ में या फिजिक्स में या बायोलॉजी में कोई भी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा नंबर कम भी आता है ना, तो आगे चल के आपको ये एक अच्छा एनालिटिकल स्किल डेवलप करा देता है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो जाता है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि अगर थोड़ा बहुत डर है तो आप उस डर को निकालो, आप फोकस करिए और बिल्कुल साइंस की पढ़ाई करें। हाँ साइंस में आता है अपने को कि मैथ्स लें, पीसीएम या पीसीबी, तो वो भी एक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम लोग आगे वीडियो में उस पर भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, राइट। नाउ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर कि जिन लोगों को कंफर्म है कि नहीं हमें साइंस लेना ही है, तो उस मुद्दे पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए साइंस लेना है, हाँ कंफर्म है, तो कांग्रेचुलेशन, आप बहुत सही जा रहे हैं और आप बिल्कुल डेविएट ना हो, पूरे फोकस के साथ आप लोग अगले 2 साल के लिए बोलते हैं ना कि एकदम कमर की पेटी बांध लें, ठीक है ना, और फोकस वे में पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए, राइट। हाँ टेंशन ना ले, डिफिकल्टी लेवल आपको परेशान नहीं करेगा। पीसीएम लेना है कि पीसीबी लेना है, देखिए ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, या दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि अगर आपको ठीक लग रहा है या थोड़ा मैथ से डर लग रहा है तो ठीक है आप बायोलॉजी ले सकते हैं। लेकिन देखो साइंस में हम लोगों का एक कॉमन चीज होता है, वो है एप्टीट्यूड, वो एप्लीकेशन पार्ट है। हाँ और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो एप्टीट्यूड है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि हमारे आगे लाइफ में भी बहुत काम आता है। बात जहां तक आती है कि कामयाबी में जो रुकावट होती है वो हमारी कुछ आदतें होती है, सब्जेक्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता है, समझ रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत है तो हम 20 मिनट 1 घंटा कुछ भी, जो भी आपको नहीं आता है, मेरे को लग रहा है 10 मिनट से लेकर बहुत है मेरा, हो सकता है 1 महीना मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कॉमन एक होता है कि हम लोग चीजों को आज के बजाय कल, कल के बजाय, होता है ना कि टारने की आदत, करते नहीं है टारते हैं कि आज नहीं कल। हाँ और बोलते हैं आप लोगों आसपास अपने बड़े से, अपने सीनियर से, अपने माँ बाप से भी ये सब बातें सुनते तो जरूर हैं, लेकिन हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग अगेन इग्नोर ही करते हैं, ठीक है ना, या उसको टारते हैं। मैं बोलूंगा कि देखिए ये टारने का जो एटीट्यूड होता है उसको हमें चेंज करना है और हमें करने का एटीट्यूड पालना होता है। हाँ और लास्टली एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल पीसीएम पढ़ना है, उस पर भी हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे स्पेसिफिकली कि पीसीएम लेना है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए एंड पीसीबी लेना है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, और इस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग बिल्कुल परीक्ष स्टेज पर कि सपोज अगर साइंस लेना है और अगर हमें साइंस पढ़ना है तो हमें पीसीएम लेना चाहिए, पीसीबी लेना चाहिए। देखिए नो डाउट हम लोग पहला बात करने वाले हैं पीसीएम पर, ठीक है ना। और देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होती है आपका गाइडलाइन, समझ रहे हैं। और गाइडलाइन अगर अच्छा है, मैं एक और एग्जाम्पल बोलूंगा, और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन जो थे वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि उनको गुरु द्रोणाचार्य भी मिले थे। तो ध्यान से आप में जो एबिलिटी है, जो आप में पोटेंशियल है, उसको अच्छा करने के लिए, उसको उभारने के लिए आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपकी जो फैकल्टी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। मैं इतना ही नहीं बोलूंगा कि केवल डिग्री वाइज ही, हाँ केवल एक्सपीरियंस वाइज ही, उनका डेडिकेशन और लगाव भी आपके साथ होना चाहिए। ये एक हमारा लंबा जर्नी है। हाँ और मैंने बोला कि कोई भी बड़ा टारगेट जो होता है वो धैर्य के साथ ही अचीव करा जा सकता है। So make sure कि कभी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें तो आप फैकल्टी मेंबर पर जरूर फोकस करें, जरूर पूछें, और बिल्कुल आप हो सके तो उनसे जरूर मिले भी एक बार। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं जिनको बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना। तो देखो बायोलॉजी वालों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आता है वो आता है फिजिक्स में। आप अपने सीनियर से, किसी टीचर से, घर पर या खुद भी अगर आप इधर उधर देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब जो भी है, मैंने तो जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा है, मैं बोलूंगा 100 में से 100 स्टूडेंट का यही आंसर है कि फिजिक्स की प्रॉब्लम। जबकि देखिए फिजिक्स जो है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स का कोई स्पेशल प्रॉब्लम है या फिजिक्स अपने आप में गड़बड़ चीज है, ठीक है ना, और इसलिए भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद ही फिजिक्स पढ़ाता हूं।
है ना, तो ये मेरे लिए सही बात भी नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, मेन होता है हमारा अप्रोच, समझ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ने में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है या जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारा सेट ऑफ माइंड। माइंड सेटअप का जो काम है वो आपका, बोले ना कि ये जो टीचर हैं, जो आपके मेंटर्स हैं ना, ये बहुत काम आते हैं उसमें। आपका जो फिजिक्स है ये एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होता है, और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई में आपको एप्लीकेशन आना ही चाहिए। हम लोग केवल और केवल 15 घंटे का स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ते हैं, और उस 15 घंटे की वजह से ही बाकी लोगों को समस्या पूरे 2 साल तक और पता नहीं कितने घंटे तक रहता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लाइफ में अच्छा करें। ऑल द बेस्ट।